नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बीटीसी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और $48,000 के ऊपर ही चल रहा है। अल्टकॉइंस में देरी क्यों हो रही है? समस्या इस बात की है क्योंकि देखिए मोस्टली लोग अल्टकॉइंस में फंसे हुए हैं। देखिए बीटीसी तो बिरले ही लोगों का काम है, बाकी देखिए अल्टकॉइंस में तो एक छोटा आदमी भी है, बड़ा आदमी है, सभी फंसे हुए हैं। आखिर क्यों, वजह क्या है, चलिए उसमें बात करेंगे। और मार्केट में छोटी बड़ी चीज चल रही है उसको भी एक बार कवर कर लेंगे। पहले लेते हैं बीटीसी। बीटीसी आपका 48,200 अभी भी है, परसों मैंने बोला था तब भी यही था, आज भी यही है और अब मैं आज भी 48,200 पर ही हूँ। बीच के लेवल्स का मैं कोई ज्यादा मायने रख नहीं रहा था, मेरे लिए सीधा सा हिसाब था 48,200। अगर बीटीसी यहां स्टैंड करता है 48,200 तो आपको $50,000 फिर बहुत ज्यादा दूर नहीं है बीटीसी के। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर बीटीसी $50,000 के आसपास पहुंचता है तो लिक्विडेशन भी बहुत जबरदस्त वाला है, लगभग $1.1 बिलियन का लिक्विडेशन है। तो देखिए पहले तो मुझे लगता है कि 48,200 पर अभी बीटीसी शायद ही टिके। देखिए एक करेक्शन तो आपको यहां देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि अच्छी खासी पॉजिटिविटी यहां तक आ चुकी है, क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका जो है लगभग 67-68 के आसपास चल रहा है, जो कहां तो आपका 52-54-55 इसके आसपास चल रहा था, यानी कि एक तरह से न्यूट्रल था, वो अभी ग्रीड में चला गया। तो यहां से एक चीज कन्फर्म होगी कि साहब मार्केट में पॉजिटिविटी आ गई, मार्केट में लोग बुलिस हो गए, बुलिसनेस आ गई। अब यहां पर बात आती है 48,200, वजह क्या थी? कोई खास वजह नहीं थी, केवल यही था कि भाई चाइनीज जो न्यू ईयर की बात है शायद वही है, बाकी ये कहो कि कहीं स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा खासा चल रहा हुआ ऐसा कोई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद अमेरिका में कुछ गड़बड़ थी, कुछ अमेरिका की बैंकों की न्यूज जो चल रही थी वो कुछ नेगेटिव चल रही थी, तो मे भी हो सकता है लोगों ने वहां से पैसा निकाल के और बीटीसी में डाल दिया है, यही चल रहा है। बाकी आप एक चीज और भी देख रहे हैं, ग्रे स्केल अभी बहुत ज्यादा कुछ बेचने आ नहीं रहा, जो मुझे लगता है कि अभी उसने जितना बेचना था बेच दिया, अभी देखिए भाई उसको सेलिंग तो करनी है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठहरा हुआ गया है। जो भी है, अगर ग्रे स्केल बेचेगा तो देखिए मार्केट झटके जरूर मारेगी, यानी वो कहते हैं 1,500 डॉलर वाला वो झटके जरूर लगेंगे, और वो वही शाम के टाइम में यानी कि 7 बजे के बाद के सीन है वो सारे के सारे। साथ ही बात इसकी कि साहब अल्टकॉइंस में क्या हुआ है, अल्टकॉइंस क्यों नहीं चल रहे भाई? अल्टकॉइंस तो वही 0.5% 1% अभी जो मोस्टली जो कहते हैं थोड़े से इनका मार्केट कैप अच्छा है उनमें भी बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ कुछ जो न्यू आते हैं वो थोड़ा सा पंप कर जाते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज यहां थोड़ा सा मार्केट कैप के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं। मार्केट कैप अभी चल रहा है देखिए 1.18 ट्रिलियन के आसपास, ठीक है, टोटल मार्केट कैप। यहां बीटीसी का है लगभग 950 बिलियन का, इथेरियम का 303 बिलियन का, अप्रोक्स आप ये मान चलिए 1.2 ट्रिलियन के आसपास तो इन दो का ही हो गया। अब 1.8 में से यानी जो टोटल है उनमें से 1.2 ट्रिलियन अगर आप मार्केट कैप निकाल देते हैं तो बचा कितना? अब इतनी सारी क्रिप्टो करेंसी में से मार्केट कैप कुल 500-600 बिलियन का लेके बैठी है, जिसमें हमारे स्टेबल कॉइंस भी आ जाते हैं। अब स्टेबल कॉइंस का भी अगर मार्केट कैप निकाल दें तो फिर जरा सा मार्केट कैप बचता है। यहां यही वजह है कि अभी अपने जितने भी अल्ट कॉइंस हैं या जितने भी मीम कॉइंस हैं इनमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है। जब तक देखिए बीटीसी की जो रफ्तार है थोड़ी सी या तो हल्की नहीं पड़ती या बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो कम नहीं होता, तब तक आपको देखिए अल्ट कॉइंस में बहुत बड़ी रैली नजर नहीं आएगी। बीटीसी का डोमिनेंस अभी भी लगभग जो है 52% के ऊपर चल रहा है। वजह यही है कि हमारे अल्ट कॉइंस अभी सुस्त है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा होगा नहीं, होगा जरूर। आप ये देख रहे हैं बीटीसी में जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं वही पॉजिटिविटी का थोड़ा सा इंपैक्ट आपको अल्ट कॉइंस में भी नजर आएगा, तो तभी आपको छोटी मोटी कोई रैली भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां फिर भी आपसे कहना चाहूंगा, अभी जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितना भी पैसा आ रहा है वो सब का सब बीटीसी में आ रहा है, इसीलिए आपको सारा मार्केट कैप भी बीटीसी की तरफ ही नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं देखिए मैं बहुत ज़्यादा पीछे की बातें भी नहीं करता कि देखिए ये हुआ था, ये हुआ था, अब ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए होता क्या है, हिस्ट्री रिपीट, मैं कहता हूँ 90% हिस्ट्री रिपीट नहीं होती है, और अगर होती है तो बताइए आप कैसे होती है। क्या पास्ट आपका जैसा था क्या अभी प्रेजेंट है ऐसा? नहीं है। तो जो लोग कहते हैं हिस्ट्री रिपीट वो केवल वीडियो बनाने का एक तरीका होता है, हिस्ट्री कभी रिपीट नहीं होती, हमेशा एक नया टारगेट बनता है। अगर हिस्ट्री रिपीट होगी तो पुराना वाला ही टारगेट बनना चाहिए, इसलिए कभी भी हिस्ट्री रिपीट नहीं होती है, ये केवल वीडियो बनाया जाता है। अरे साहब हिस्ट्री रिपीट हो रही है, देखिए क्योंकि असल में आपको थोड़ा चार्ट्स के उसमें उलझा दिया जाता है। क्या ईटीएफ बिटकॉइन का जो पहले आया था क्या ये पहले हिस्ट्री में था? नहीं था, ये नया है। इथेरियम का ईटीएफ आने वाला है,
क्या आज से पहले कभी इसका था? नहीं था, ये नया है। तो क्या था, हमेशा एक नई चीज क्रिएट होती है, नई चीज बनती है, तो वही चीज है कि बीटीसी में कुछ ना कुछ नया हो रहा है, उसी का इंपैक्ट आपको पॉजिटिव नजर आता है, और वही चीज हमें कहीं ना कहीं उच्चतम स्तर पर लेके जाती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है, भाई साहब हिस्ट्री तो कभी रिपीट होती ही नहीं है, उन्होंने या तो हिस्ट्री ही नहीं पढ़ी, मैं तो कहता हूं टेक्निकल के चक्कर में थोड़ी हिस्ट्री का भी ज्ञान ले लेते, वो न तो टेक्निकल में रहे ना हिस्ट्री में रहे, वो कहीं भी नहीं रहे, वो केवल गुमराह करने में रहे, ये हो गया है। जो भी हो रहा है नया हो रहा है, और नया जब होता है तभी कुछ नया बनता है। तो अब जो हम बात करते हैं कि $1 लाख, $1.5 लाख, $2.5 लाख, क्या ये लोग हिस्ट्री को देख के बोल रहे हैं? नहीं, ये जो बीटीसी में नया डेवलपमेंट हो रहा है ना उसको देख के बोल रहे हैं। अगर बीटीसी का पुराना रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो बीटीसी $2.5 लाख नहीं जाएगा, क्यों जाएगा, क्या डेवलपमेंट हुआ उसमें ऐसा, अगर पुराना हिसाब देखो तो। यहां हम बोल रहे हैं 2.5 लाख जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि नए डेवलपमेंट हुए हैं उसमें, कहीं ना कहीं स्पॉट का ETF आ गया, ये क्या चीजें नई चीजें हो गई, कहीं ना कहीं अडॉप्शन और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये हिस्ट्री कहां रिपीट हुई, ये तो नया हुआ ना। तो आप कितना संतुष्ट हैं एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताया, इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जितना भी पॉजिटिविटी अभी है वो बीटीसी के लिए है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं कि साहब अल्ट कॉइन्स में कुछ नहीं होगा। देखिए साहब मार्केट है, स्टेप बाय स्टेप ही चलता है, मैंने आपको चार्ट भी इसमें दिया था कि पहले बीटीसी में पैसा जाता है, फिर लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर आपके लोअर कैप, जो भी है, तो इस तरीके से पैसा चलता है। तो अभी ऐसा नहीं है कि जो लोग बीटीसी में आ रहे हैं वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, देखिए साहब जो ट्रेडर टाइप के लोग हैं ना वो प्रॉफिट बुक करेंगे, और उसके बाद जो रैली शुरू होगी ना वो आपकी नीचे की जो भी अल्टकॉइंस हैं, मीम कॉइंस हैं, इन सब में शुरू होगा, टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कीजिए, होगा जरूर। दूसरा, अभी भी लोगों के जो है देखिए पोर्टफोलियो, मैं कहता हूँ 50 से 60% तक रेड जोन में है। बीटीसी $48,000 पर पहुंच गया है, तो उनको अभी तक तो ग्रीन हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा है। तो जो मैंने आपको पीछे समझाया ना, इसकी वजह वही है कि सारी पॉजिटिविटी अभी बीटीसी में है। अब आते हैं अल्ट कॉइन्स में, अल्ट कॉइन में क्या देखिए साहब, अल्ट कॉइन में आपको अगर 50 ऊपर के टॉप भी दिखा दूं तो भी सबका वही हाल है कि साहब कोई 11%, कोई 1%, कोई 1.5%, इससे ज्यादा ग्रीन कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं कि इनमें ग्रीनरी आएगी नहीं, अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं देखिए, यहां पर सोलाना का ये उदाहरण लेके बोलता हूं, जब भी बीच में जब ये $92 पे था, $93 पे था, आप मेरे ट्विटर पर उठा के देखिए, मैंने आपको बहुत स्पष्ट बोला था कि यहां पर देखिए SIP रेंज में ही आ चुका है, और अब देखिए $109 के आसपास आज ये सोलाना आपका चल रहा है। तो ये एक देखिए, आप थोड़ा बहुत अगर आपके पास फंड एक्सेस है, फालतू है, तो आप एक छोटी मोटी अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। तो देखिए यहां अब जो मौका आता है खरीदने का, तो यहां पर आप छोटी मोटी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा होगा कि बीटीसी के बाद फिर जो रैली इनमें चलेगी ना, फिर आपको शायद मौका ना मिले। अब आप खरीदें किसमें, देखिए हमेशा आपको बोला कि आपका जो अल्ट कॉइंस मजबूत स्थिति वाले जिनका मार्केट कैप अच्छा है, आप उनमें छोटी छोटी SIP आप बना सकते हैं, या फिर कुछ जो नए प्रोजेक्ट हैं। देखिए पुराने ज्यादा प्रोजेक्टों में घुसना ठीक नहीं है, प्रोजेक्ट जो पुराने हैं उनमें तो देख लिया है कि वो कितना ज्यादा उछल कूद कर सकते हैं। जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मैंने आपको बाकायदा वीडियो में सारी कैटेगरीज के वीडियो आपको बना के दी होगी, आप उनमें से आप कोई सा भी प्रोजेक्ट ले सकते हो, वो मैंने ठीक ठाक प्रोजेक्ट ही आपको हर एक कैटेगरी वाइज आपको बना के दिया है वीडियो। तो आप अनुवित रोहितास क्रेजी क्रिप्टो मिंटू किसी पर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, कैटेगरीज वाइज है, आपको AI का देखना है, Web3 का देखना है, गेमिंग का देखना है, जिसका भी देखना है आप उसमें आ जाके आप कोई भी प्रोजेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नमस्कार।